हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर 2 कीपिंग सेफ। आज उसके बारे में रीड करेंगे। एक्सीडेंट मे ऑकर एनीवेयर एनी टाइम विदाउट गिविंग एनी वार्निंग। दुर्घटना कभी भी किसी भी समय और बिना किसी चेतावनी के आ सकती है। एक्सीडेंट यूजली ऑकर ड्यू टू अवर केयरलेसनेस। जो एक्सीडेंट है वो हमारी असावधानीता के कारण होता है। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स केयरफुली। हियर आर टू फ्रेंड्स, राजा एंड हिज फ्रेंड। राजा, लेट्स अस पेंट टुगेदर, चलो हम एक साथ पेंट करते हैं। आई कांट, माई फिंगर गॉट कट विथ द ब्लेड व्हेन आई वॉज शार्पनर माई पेंसिल। जब मैं अपनी पेंसिल को शार्प कर रहा था तो मेरा ब्लेड से फिंगर कट गई थी। हियर आर टू फ्रेंड्स, रानी एंड रेनू। रानी रेनू से कहती है, रेनू, लेट्स अस गो टू प्ले, चलो हम खेलते हैं। रानी, आई स्लिप्ड ऑन द टॉय कार, मैं टॉय कार पर स्लिप हो गई थी। आई लेफ्ट इट ऑन द फ्लोर एंड हर्ट माई सेल्फ, मैंने उसको फर्श पर छोड़ दिया था जिसके कारण मुझे चोट लग गई। तो यहाँ पर जो ये इनके साथ जो इनकी फिंगर कट गई है, इनका जो लेग में प्रॉब्लम हुई है, चोट लग गई है, तो ये किसकी असावधानीता के कारण हुआ है। चलिए हम एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करेंगे। वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स ऑल द टाइम टू अवॉइड एक्सीडेंट। हमें एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। सेफ्टी वाइल ट्रैवलिंग इन अ बस, जब हम बस में ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो हमें किस तरह की सेफ्टी करनी चाहिए, किस तरह के रूल्स को फॉलो करना चाहिए, आज उसके बारे में रीड करेंगे। यू मस्ट फॉलो दीज सेफ्टी रूल्स वाइल ट्रैवलिंग इन अ बस। स्टैंड इन अ क्यू एट द बस स्टॉप वाइल बोर्डिंग द बस, जब हम बस में चढ़ रहे हैं तो हमें क्यू यानी कि कतार लाइन में खड़ा होना चाहिए। डू नॉट लीन आउट और पुट योर हैंड्स आउट ऑफ द विंडो ऑफ अ मूविंग बस, जब हम बस चलती हुई बस में हमें कभी भी अपनी बॉडी का कोई भी पार्ट या अपने आप को बाहर न निकालें। डू नॉट गेट इन और आउट ऑफ अ मूविंग बस, जब चलती हुई बस में न तो हमें चढ़ना चाहिए और न ही उतरना चाहिए। नेवर डिस्टर्ब द बस ड्राइवर वैन, सॉरी, हमें बस ड्राइवर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। वी शुड कीप क्वाइट वाइल ट्रैवलिंग इन अ बस, जब हम बस में ट्रैवलिंग कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो हमें चुपचाप बैठना चाहिए। बच्चों, अगर हम बस ड्राइवर को डिस्टर्ब करेंगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएंगे, तो इसलिए हमें बस में चुपचाप रहना चाहिए। सेफ्टी ऑन द रोड, अब हम रोड पे हमें क्या सेफ्टी यूज़ करनी चाहिए उसके बारे में रूल्स को फॉलो करेंगे। फर्स्ट इज़ ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, हमेशा हमें फुटपाथ पर वॉक करना चाहिए, चलना चाहिए। नेवर प्ले ऑन द रोड, हमें रोड के ऊपर नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट रन अक्रॉस द रोड, जब हम रोड पार कर रहे हैं तो हमें रोड पर भागना नहीं चाहिए। ऑलवेज यूज ज़ेब्रा क्रॉसिंग और सबवे और फुट ओवर ब्रिज टू क्रॉस द रोड, हमेशा हमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर ही रोड को क्रॉस करना चाहिए या सबवे जो पैदल यात्रियों के लिए सड़क के नीचे से जो बना होता है या जो सड़क के ऊपर जो ब्रिज बने होते हैं उनके ऊपर से हमें सड़क को क्रॉस करना चाहिए। यू शुड क्रॉस द रोड ओनली व्हेन द पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक लाइट इज ग्रीन, हमें जब पैदल यात्रियों वाली रेड लाइट ग्रीन हो तभी हमें सड़क को क्रॉस करना चाहिए। व्हेन देयर इज नो ट्रैफिक लाइट
लुक एट द राइट देन टू द लेफ्ट एंड अगेन टू द राइट. जब हम जहाँ पर ट्रैफिक लाइट नहीं है तो वहाँ पर हमें रोड को क्रॉस करते हुए पहले राइट में देखना चाहिए, फिर लेफ्ट में, और फिर दोबारा से हमें राइट में देखना चाहिए. क्रॉस द रोड व्हेन इट इज़ क्लियर. हमें जब भी रोड को क्रॉस करना चाहिए जब रोड क्लियर हो, या क्लियर का मतलब यहाँ पर यानी कि रोड के ऊपर कोई व्हीकल ना हो. स्टे ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड व्हाइल राइडिंग अ बाइसिकल. जब हम बाइसिकल को राइड कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो हमें लेफ़्ट साइड में ही रुकना चाहिए. सेफ्टी इन द प्लेग्राउंड. अब हम जो हमें सेफ्टी प्लेग्राउंड में फॉलो करनी चाहिए अब उसके बारे में रीड करेंगे. फर्स्ट इज़ व्हाइल प्लेइंग ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम. जब हम खेल रहे हैं तो हमें रूल जो गेम के रूल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए. डू नॉट प्ले रफ गेम. हमें ख़राब गेम नहीं, मतलब ख़राब से मतलब ऐसे गेम जिसमें हमें चोट लग जाए, ऐसे कोई गेम नहीं खेलने चाहिए. व्हाइल प्लेइंग एट द स्विंग मैरी गो राउंड और सीसा डू नॉट पुश अदर्स वेट फॉर योर टर्न. जब हम झूले पे झूल रहे हैं, मैरी गो राउंड पे, सीसा पे, तो हमें एक दूसरे को पुश नहीं करना चाहिए, हमें अपने टर्न का, अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए. नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. वी शुड स्टे ऑन द डैश साइड ऑफ द रोड व्हाइल राइडिंग अ बाइसिकल. जब हम बाइसिकल को राइड कर रहे हैं तो हमें किस साइड में रुकना चाहिए? राइट, लेफ्ट, मिडल. राइट आंसर इज लेफ्ट. इन अ बस वी मस्ट कीप डैश डांसिंग डिस्टर्बिंग द ड्राइवर क्वाइट. यस, राइट आंसर इज क्वाइट. नाउ सेफ्टी एट होम. हमें घर पर क्या सेफ्टी यूज़ करनी चाहिए? वी मस्ट फॉलो दी सेफ्टी रूल्स एट होम. नेवर प्ले विद शार्प थिंग्स लाइक ब्लेड्स, नाइफ एंड सीजर्स. हमें जब हम घर पे हैं या कहीं पे भी हैं तो हमें शार्प थिंग का यूज़ नहीं करना चाहिए, जैसे ब्लेड हो गया, नाइफ चाकू हो गया, सीजर कैंची हो गई, इनका यूज़ नहीं करना चाहिए. दे कैन कट योर स्किन. ये आपकी स्किन को कट कर सकते हैं. यूज़ दैम ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एन अडल्ट. आप इनको यूज़ जब भी करें जब आपके पेरेंट्स या कोई बड़ा व्यक्ति आपके पास है. अगर आपको ज़रूरी है तो करें. डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स, प्लग्स, सॉकेट्स, हॉट आयरन और हीटर. जो बिजली की तारें हैं, स्विच हैं और गर्म प्रेस है, इनको हमें नहीं छूना चाहिए. इनसे हमें क्या होगा? दे कैन गिव यू इलेक्ट्रिक शॉक. ये आपको बिजली का झटका दे सकते हैं, इससे हमें करंट लग सकता है. डू नॉट प्ले विथ माचिस स्टिक और फायर. हमें माचिस से और आग से नहीं खेलना चाहिए. दे कैन बर्न योर स्किन. ये आपकी स्किन को बर्न कर सकते हैं. नेवर टच द गैस स्टोव एंड हॉट प्लेट्स और पिप इनटू एनी utensils on stove in the kitchen. आपको गैस स्टोव को या गैस स्टोव के ऊपर जो बर्तन होते हैं उनको गर्म होते हैं उनको नहीं छूना चाहिए किचन के अंदर. Never climb on window and slabs. हमें विंडोज़ के ऊपर और स्लैब्स के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए. You may fall down and hurt yourself. तुम्हें गिर सकते हो और तुम्हें चोट लग सकती है. डू नॉट रन डाउन द स्टेयर्स. और जब हम स्टेयर से नीचे उतर रहे हैं तो हमें भागना नहीं चाहिए. यू मे फॉल डाउन एंड हर्ट योर सेल्फ. तुम गिर सकते हो और तुम्हें चोट लग सकती है. नेवर लेव योर टॉयज ऑन द फ्लोर. हमें आपको
जब आप खेल रहे हैं तो अपने टॉयज़ को फर्श के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। यू मे बी ट्रिप ओवर देम एंड फॉल डाउन, तुम इसके ऊपर फिसल सकते हो, गिर सकते हो। सेफ्टी इन द क्लासरूम, अब हम क्लासरूम में जो सेफ्टी है उसको फॉलो करेंगे। डू नॉट पुश एनीबॉडी और थ्रो थिंग्स एट एनीवन इवन इन फन। हमें जब हम क्लासरूम में हैं तो हमें एक दूसरे की चीज़ों को नहीं फेंकना चाहिए और किसी को भी पुश धक्का नहीं करना चाहिए, मजाक में भी। डू नॉट जम्प ऑन द डेस्क और रन इन द क्लासरूम, हमें डेस्क के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए और नहीं क्लासरूम के अंदर भागना चाहिए। यू मे फॉल डाउन एंड हर्ट योरसेल्फ, तुम गिर सकते हो और तुम्हें चोट लग सकती है। ऑलवेज शार्पन योर पेंसिल विद द शार्पनर, अपनी पेंसिल को हमेशा शार्पनर से ही शार्प करें। नेवर यूज अ ब्लेड टू शार्पन योर पेंसिल, कभी भी अपनी पेंसिल को शार्प करने के लिए ब्लेड का यूज़ मत करिए। नेवर रन ऑन स्टेयर्स, सीढ़ियों पर नहीं भागना चाहिए। ऑलवेज फॉर्म अ क्यू वाइल वॉकिंग ऑन स्टेयर, जब आप स्टेयर पे वॉक कर रहे हैं तो आपको क्यू यानी कि लाइन में ही आना चाहिए। डू नॉट हैंग और स्विंग ऑन विंडो, आपको आप ये जो विंडोज़ हैं इस पे ना तो झूलना चाहिए और ना ही लटकना चाहिए। इफ़ द ग्लास ब्रेक इट मे हर्ट यू, अगर शीशा टूट जाता है या आप गिर जाते हैं तो आपको चोट लग जाती है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वी शुड शार्पन योर पेंसिल विद अ नाइफ ब्लेड शार्पनर, यस राइट आंसर इज शार्पनर। वी शुड नॉट टच, हमें क्या नहीं छूना चाहिए, पेंसिल बॉक्स, हॉट आयरन या वाटर टैप, राइट आंसर इज हॉट आयरन, हमें प्रेस को नहीं छूना चाहिए। फर्स्ट एड, नाउ वी आर रीड फर्स्ट एड। फर्स्ट मतलब पहला, एड मतलब उपचार, पहला उपचार। आफ्टर एन एक्सीडेंट द फर्स्ट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन इज कॉल्ड फर्स्ट एड। देखिए कोई व्यक्ति घायल हो जाता है या कोई बेहोश हो गया है, किसी को थोड़ी सी चोट लगी है या कोई जल गया है, तो ये सभी क्या है, एक्सीडेंट है। इनमें जो हम उस व्यक्ति को, घायल व्यक्ति को जो पहली हेल्प देते हैं, पहली चिकित्सा देते हैं, उसको हम फर्स्ट एड कहते हैं। When we get hurt, जब हम hurt हो जाते हैं, हमें चोट लग जाती है, we must immediately tell an adults, हमें किसको बताना चाहिए, adults को जो आपसे बड़े हैं, समझदार हैं, या आपके parents हैं, teacher हैं, जो भी हैं। Our teacher in school, teacher, अगर आप school में हैं तो अपने teacher को बताइए, और parents at home, अगर आप घर पे हैं तो अपने parents को, Our teacher in school or parents at home are always there to help us. अगर आप स्कूल में हैं तो टीचर को और घर पे हैं तो पेरेंट्स को, क्योंकि वो ही आपकी हेल्प करते हैं। They give us first aid और वो ही आपको first aid देंगे। The first aid box at our home or school should have bandages, pre-bandage, antiseptic that kill germs, lotion, band-aid, cotton, antiseptic cream, a pair of scissors and pain reliever spray. जो first aid है उसमें scissor, cotton, antiseptic cream, antiseptic lotion, pain relievers, ये सभी चीज़ें होनी चाहिए। अब हम first aid for small cut, अगर किसी को स्मॉल कट हो जाता है तब हमें क्या करना चाहिए। इफ़ द वाउंड और कट इन स्मॉल, वी शुड फर्स्ट वॉश इट विद वाटर,
अगर किसी को छोटा सा भी कट लग जाता है या कोई जख्म हो जाता है तो हमें सबसे पहले उसको साफ पानी से धोना चाहिए. देन क्लीन द एरिया विद अ कॉटन हैविंग एंटीसेप्टिक लोशन. कॉटन के ऊपर एंटीसेप्टिक लोशन लगाकर हम उस एरिया को क्लीन करेंगे, उस जगह को क्लीन करेंगे. देन टाई अ बैंडेज और क्लीन क्लॉथ ओवर द वाउंड. और जहाँ पर हमें घाव हुआ है हम उस जगह को साफ कपड़े से या साफ पट्टी से उसको बांधेंगे. अब देखिए, अगर कोई जल गया है, फर्स्ट एड टू बर्न. कोई व्यक्ति जल गया है तो उसके लिए क्या करेंगे? व्हेन वी गेट बर्न, अगर कोई जल जाता है, वी मस्ट इमीडिएटली पुट द बर्न एरिया अंडर द कोल्ड वाटर और अप्लाई आइस. हमें अगर किसी भी व्यक्ति का कोई पार्ट जल जाता है तो उसको ठंडे पानी से वॉश करना चाहिए और उसके ऊपर बर्फ़ लगानी चाहिए. ओके स्टूडेंट.